हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बुक से चैप्टर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आज की वीडियो में इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड इस चैप्टर के नोट्स एंड इस सब्जेक्ट की फुल प्लेलिस्ट करेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना तो गए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो गए अगर हम कॉपरेट वर्ड की बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये फर्स्ट स्टेप कह सकते हो या फिर फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है जिससे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अब कहीं सोशल जो अकाउंटिंग है उसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन की है वास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे जो सोशल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी क्या हो रहा है ग्रो हो रहा है अब इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता है ठीक है सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है उसे यूज़ करता है और उसके बाद क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करता है एंड प्रॉफिट अर्न करने के बाद क्या होता है कि प्रॉफिट के साथ साथ वो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बिज़नेस की बनती हैं अब देखो एक बिज़नेस है बिजनेस सोसाइटी uh, से लैंड ले रहा है लेबर ले रहा है सेक्ट्रा ठीक है उसके रिटर्न में अब जो बिज़नेस है वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी पे क्या वो पोल्यूशन ूशन कर रहा है या फिर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो ये सारी सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा कर रहा है कौन कौन से सोशल कोस्ट एंड सोशल बेनिफिट है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सोशल अकाउंटिंग सोशल अकाउंटिंग क्या होता है तो क्योंकि सोशल अकाउंटिंग एक ऐसा वे है जिससे आप मेजर एंड रिपोर्ट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन की सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस ये आपको ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे आप देख सकते हो कि क्या आपकी सोशल कोस्ट है एंड सोशल कोस्ट के रिगार्डिंग क्या आपकी सोशल बेनिफिट है एंड जो सोशल अकाउंटिंग है ये इम्पोर्टेंट या फिर वैल्यूएबल इंफॉमेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज़ हैं नीड्स या क्लाइंट्स की उसे पूरा कर सके ठीक है सोशल अकाउंटिंग के डिफरेंट नेम्स हैं जैसे सोशल ऑडिट सोशल रिपोर्टिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी उससे कहा जाता है नेक्स्ट है इस डेफिनेशन डेफिनेशन है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेश कंसर्निंग द इम्पैक्ट ऑफ एन एंडिटी एंड इट्स एक्टिविटीज़ ऑन द सोसाइटी नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में गाई आपका क्या आएगा इसमें गाइज सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आपका क्या आएगा इसमें आप अपने प्रोजेक्ट को इवेलुएट करोगे इसके सोशल कॉस्ट निकालोगे एंड सोशल बेनिफिट्स निकालोगे अब जबकि सोशल कॉस्ट है वो एज कम्पेयर टू सोशल बेनिफिट्स मतलब सोशल बेनिफिट्स आपके ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू कॉस्ट जो आपका प्रोजेक्ट होगा उससे हम क्या करेंगे प्रेफर करेंगे जिसकी बेनिफिट्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कॉस्ट नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ सोशल रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया एक बिजनेस है काफी सारे रिसोर्सेज हो गए लैंड हो गए लेबर हो गए ये सारे हम सोसाइटी से लेते हैं उसके रिटर्न में हम सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं बिजनेस की क्या रिस्पॉसिबिलिटी है टूवर्ड द कह सकते हो सोसाइटी ठीक है society, पहला तो ये आ जाएगा कि हमें लीगली वर्कर ने जो भी हमारी uh, जैसे कंपनी कंपनी सेक्ट है टू थाउजेंड अगर हम कंपनी बना रहे हैं तो उसके सारे लीगल uh, अथॉरिटीज के अंदर सारी चीज़ें लीगली जिस तरीके से एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो हम सारी करें जो वर्कर्स हैं उसे अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ठीक है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें सोसाइटी को वो साथ ही साथ पोल्यूशन कम करें ठीक है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं साथ ही साथ हमारे कस्टमर को क्या करना है हम अपने कस्टमर्स को सेटिसफाई करने के लिए प्रोडक्ट इस तरीके से क्रिएट करना है ताकि उन्हें भी सारी वैल्यू मतलब हमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू है कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है अपने प्रोडक्ट के थ्रू ठीक है नेक्स्ट आपका टॉपिक इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट पहला है इंप्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट अब मान लो आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दो प्रोजेक्ट है आपके पास ए एंड बी ठीक है ए जो है वो इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू बी ठीक है तो दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट आप चूज करोगे ए वाला ठीक है इसका मतलब जिस जो से प्रोजेक्ट में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है उससे हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे या फिर प्रेफर करेंगे नेक्स्ट है इस कपिटल आउटपुट रेशियो कैपिटल आउटपुट रेशियो का क्या मतलब है तो कैसे इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट को हम प्रेफरेंस देंगे या प्रायोरिटी देंगे जिस प्रोजेक्ट का जो कह सकते हो आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल क्या होगा हाई होगा जिसका आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल हाई होगा ठीक है उसे हम क्या करेंगे प्रायोरिटी देंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन इस वैल्यू एडिशन में आपके आ जाएगा उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी हाई वैल्यू एडिशन पर यूनिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगी ठीक है मतलब जिसकी भी एडिशनल पर यूनिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे प्रियोरिटी प्रोवाइड करेंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट है इस आपका फॉरन एक्सचेंज अर्निंग फॉरन एक्सचेंज अर्निंग में आपका क्या आ जाएगा जिस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल होगी नेट बेनिफिट जो फॉरन एक्सचेंज से हमें आ रहे हैं जिसके ज्यादा होंगे बेनिफिट्स फॉरन एक्सचेंज के उसे हम क्या करेंगे प्रेफर करेंगे नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिस ये मैंने अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का क्या मतलब है वो प्रोजेक्ट को हम चूज करेंगे जिसके बेनिफिट्स एज कम्पेयर टू कॉस्ट क्या होंगे ज्यादा होंगे नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स हम मान लो कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सबसे पहले हम देखेंगे उसके क्या मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है उसकी सोशल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे साथ ही साथ सोशल बेनिफिट्स को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करने के बाद अगर बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कॉस्ट मान लो दो प्रोजेक्ट है एक के थोड़े कम है बेनिफिट्स एक के थोड़े ज़्यादा है जिसके ज्यादा है, और सोशल कॉस्ट कम है उसे हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट अब जो प्रोजेक्ट है वो लेस uh, कोई भी प्रोजेक्ट है वो एयर पोल्यूशन या फिर वॉइस पोल्यूशन कम कर रहा है तो उसको हम ज्यादा क्या करेंगे प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू जो प्रोजेक्ट ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है ठीक है नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल अकाउंटिंग कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है सोशल अकाउंटिंग के वो देख लेते हैं पहला है टू डेवलप एन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर इसमें बेसिकली फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है सोशल अकाउंटिंग का वो क्या है इसमें हमने सुटेबल प्रोसीजर क्या डेवलप करना है जिससे एक फॉर्म अपनी सोशल परफॉर्मेंस को देख सके अपनी सोशल कोस्ट एंड सोशल बेनिफिट को देख सके नेक्स्ट है टू डिटरमाइन वेदर द फॉर्म सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर कंसिस्टेंट विद वाइडली शेयर सोशल रिस्पॉसिबिली अन अदर ऑब्जेक्टिव जो है सोशल अकाउंटिंग का वो ये है कि हम इसमें डिटरमाइन कर सके कि सोशल ऑब्जेक्टिव हमारे कंसिस्टेंट हैं या नहीं है क्या हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वर्कर्स को ठीक है अपना जो हेल्थ इश्यूज है कोई भी हमारे वर्कर्स के अगर कोई हो रहे हैं हम उनमें कोई प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोजेक्ट और जो हमने प्रोजेक्ट लगाया उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को या नहीं कर रहा है ठीक है नेक्स्ट है टू मेज़र द फॉर्म्स नेट सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन टूअर्ड द सोसाइटी अनदर ऑब्जेक्टिव जो है सोशल अकाउंटिंग का वो ये है कि हमने इसमें मेज़र करना है फॉर्म्स की नेट सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन टूअर्ड द सोसाइटी वो हम कैसे पता करेंगे सोशल बेनिफिट्स में से हम सोशल कॉस्ट को लेस कर देंगे वो हमारा क्या आ जाएगा सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट है टू मोनीटर एंड एवेलुएट द वर्क डन फॉर द सोसाइटी इसमें हम क्या करेंगे अपनी अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स को देखेंगे टूवर्ड्स द सोसाइटी ठीक है कोई भी जो अगर फेलियर्स हो रहे हैं हम पोल्यूशन uh, ज्यादा कर रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं बेनिफिट हो रहे हैं तो किस तरीके से उसे बढ़ा सकते हैं ये चीजें आ जाएंगी नेक्स्ट है हमारा टू टू क्रिएट अवेयरनेस अनदर ऑब्जेक्टिव जो है जो है सोशल अकाउंटिंग का वो ये है कि इसमें हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है पीपल लोगों uh, में ठीक है सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स के रिलेटेड नेक्स्ट है टू अपटेन फीडबैक अनदर ऑब्जेक्टिव जो है सोशल अकाउंटिंग का वो ये है कि हमने क्या करनी है फीडबैक को ऑब्टेन करना है जनरल पब्लिक से नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक अनदर जो ऑब्जेक्टिव है सोशल अकाउंटिंग का वो ये है कि हमने कुछ इन्फॉमेशन प्रोवाइड करनी है जनरल पब्लिक को जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से अगर हम सोशल वेलफेयर्स कर रहे हैं ठीक है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज uh, हमने कितनी प्रोवाइड की क्या सोशल कॉस्ट आ रही है बेनिफिट्स कितने हो रहे हैं ये सारी चीज़ें हमने जनरल पब्लिक को क्या करनी है प्रोवाइड करनी है नेक्स्ट है इस टॉपिक नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग क्या कौन कौन सी नीड एंड बेनिफिट है सोशल अकाउंटिंग के पहला है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लीगेशन अब जो एंटिटी है अगर वो अपनी सोशल ऑब्लीगेशन को फुलफ़िल करेगी अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगी गवर्नमेंट को जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करेगी अपनी एंटिटी के बारे में कि उन्होंने कितनी सोशल अपनी ड्यूटीज़ निभाई हैं या फिर सोशल बेनिफिट्स की हैं तो उसकी कह सकते हो एक फॉर्म की गुडविल भी क्या क्या होती है इंक्रीज़ होती है नेक्स्ट है कि सोशल अकाउंटिंग को हम क्या कर सकते हैं सोशल अकाउंटिंग की हेल्प से हम सोशल कोस्ट एंड बेनिफिट्स को मॉनेटरी टर्म्स में ला सकते हैं ठीक है सोशल अकाउंटिंग से हम इम्प्लॉई की मोटिवेशन को एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं साथ ही साथ हम मार्केटिंग को भी इम्प्रूव कर, कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट जो है सर्विसेज है वो बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं एंड सोशल अकाउंटिंग की हेल्प से हम जो एडवर्स इफेक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन की उससे भी क्या कर सकते हैं रिवर्स कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका टॉपिक सोशल अकाउंटिंग अप्रोचेज़ कौन कौन से अप्रोचेज़ हैं टोटल एट अप्रोचेज हैं पहला है क्लासिकल अप्रोच क्लासिकल अप्रोच जो है ये अप्रोच मिल्टन फ्रेडमैन ने दिया है 1961 में इस अप्रोच के अंडर क्या है मिल्टन फ्रेडमैन ने कहा था कि ओ, जो फॉर्म है या फिर ये कंपनी है वो लीगल नॉर्म्स एंड एथिकल नॉर्म्स के अंदर रहते हुए मतलब जो भी लीगैलिटी uh, मतलब जो भी लीगल वर्क करना है हमें अपना ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा वर्क करना है एंड मेन हमारा मोटिव क्या होना चाहिए प्रॉफिट ठीक है नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है सोशल इसमें हमने क्या करना है जो सोशल एक्टिविटीज़ है बिजनेस की उसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ नेटिव फॉर्म में प्रजेंट करना है ठीक है नेक्स्ट है सोशल इंडिकेटर अप्रोच सोशल इंडिकेटर अप्रोच में हमारी जो टोटल परफॉर्मेंस है फॉर्म या फिर बिजनेस की वो किस तरीके से आएगी नेट इनकम प्लस ह्यूमन रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में हम पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज कॉन्ट्रीब्यूशन को करेंगे तब हमारी जो टोटल परफॉर्मेंस है वो हमारे बिजनेस या फिर फॉर्म की आएगी नेक्स्ट है इंटरगल वेलफेयर थोरेटिकल अप्रोच इस अप्रोच में क्या है हमें सोशल रिपोर्ट जिसमें सोशल बेनिफिट्स एंड सोशल कॉस्ट हमारी है ठीक है सोशल कॉस्ट को क्या हो गया जैसे लेबर प्रेफरेंस फिक्सड एसेट मटीरियल कैपिटल ये सारी चीज़ें सोशल बेनिफिट ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे ठीक है इससे हमारी क्या हो जाएगी नेट सोशल बेनिफिट एंड नेट सोशल कोर्स आ जाएंगी नेक्स्ट है सोशल इंडिकेटर अप्रोच हमने कर लिया अभी ठीक है नेक्स्ट है गई लियोनेस ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अप्रोच तो गई जो इसके अंदर हमने क्या करना है इस अप्रोच के अंदर हमने एस ई ओ एस रिपोर्ट बनानी है मतलब कि सोशल इकोनॉमिक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है सोशल रिपोर्टिंग के लिए जिसमें हम सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करेंगे मतलब कि सोशल बेनिफिट्स में से सारे सोशल कोस्ट को क्या करेंगे लेस कर देंगे तो हमारा सोशल कोस्ट सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा नेक्स्ट है सोशल इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट अप्रोच ठीक है इस अप्रोच को किसने डेवलप किया था ए एसोसिएशन जो यूनाइटेड स्टेट्स में है इनका मेन पर्पज़ क्या था कि इसमें सोशल बेनिफिट्स को सोशल बेनिफिट्स एंड सोशल कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट को पता करने के लिए सोशल बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट बनानी है ठीक है जिसमें हम सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट सारे लेंगे जो भी एक्टिविटीज फॉर्म के अंदर हो रही हैं अब जो है सोशल इनकम स्टेटमेंट है वो हमें सोशल बेनिफिट कॉस्ट रिलेटेड टू स्टाफ कम्युनिटी हमें बताएगी सोशल कॉस्ट सोशल इनकम स्टेटमेंट एंड जो सोशल बैलेंस शीट है वो हमें ह्यूमन एसेट्स हो गए सोशल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग इक्विपमेंट ये सारी चीज़ों के बारे में बताएगी नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल स्टेटमेंट अप्रोच तो कैसे इस स्टेटमेंट्स के अंदर मल्टी डायमेंशनल स्टेटमेंट में क्या होगा कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक मल्टी डायमेंशनल स्टेटमेंट्स की तरह बनाना है जिसमें हम सारे कोर्स एंड बेनिफिट्स जो हैं वो सारे लेंगे मतलब कि इसमें हम मल्टी डायमेंशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिपोर्ट है वो बनाएंगे बट जो मल्टी डायमेंशनल नेचर की जो सोशल रिपोर्ट है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जिसमें मेजरमेंट हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते तो इसके लिए हमें इंजीनियर सोशल साइंटिस्ट लॉयर्स की या फिर स्टैटिशियंस की नीड पड़ेगी स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त नेक्स्ट है नेट कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच तो कैसे नेट कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रोच में क्या होगा एक सोशल इंपैक्ट स्टेटमेंट हम बनाएंगे जिसमें हम सारे सोशल uh, बेनिफिट्स हो गए इंप्लायमेंट प्रोवाइड हो गए टैक्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड ये सारी सोशल बेनिफिट्स लेंगे और सारे साथ सोशल कोर्स जो है वो सारी हम चीज़ें इसमें लेंगे ठीक है तो कैसे ये था आपका चैप्टर कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस नोट्स के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज एट द रेट सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल फॉलो कर सकते हैं एंड आज की वीडियो में इतना ही फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग